इस पिला की तरफ जब बैलेंस करेक्ट हो इसके तरफ दृष्टि डालो और हाथ आपके हाथ में फूल रख लो और नमस्कार करो कि जिस तरह ये तुला बैलेंस होते हुए गुरु जी आपको हम वजन कर रहे हैं हमारे जीवन में भी उसी तरह बैलेंस हो पति पत्नी बच्चे सुख के साथ इसी प्रकार हमारे तुला का भार आप वहन करो। हम हमारे से जो भी हुआ समर्पित किया आप हमारे घर का भार इसी तरह वहन करो ऐसी गुरु से प्रार्थना करो। जब तुला सेंटर में हो तब अपने पास फूल रख लेकर गुरु से प्रार्थना करो और वहीं से फूल चढ़ा दो ले लेना मैं जाता हाँ मैं हूँ टेंशन वाह भाई बढ़िया इसको नीचे किया हट किया बटन फोटो
मैं जैसा बोलता हूँ या तो सुनो, नहीं तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बोलो। हे श्री कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने सत्यभामा माता से तुलाभार करते हुए नारद जी के समक्ष तुलाभार किया था और उनके संसार को एकजुट करके एक जगह रखा था, हमारा जीवन प्रकार करो, ऐसी प्रार्थना करो। मैं जो स्तोत्र पढ़ रहा हूँ या तो मेरे साथ पढ़ो नहीं तो सुनो। यह वह स्तोत्र है जिसको इस तुलाभार करने के बाद स्वयं नारद जी ने कहा था कि हे संसार के भार वहन करने वाले प्रभु, हमने तुम्हें तुम्हारे कितने छोटे से वजन में किया है, मैंने भी यहाँ तुलसी डाल दिया, हमारी भक्ति भावना के साथ दे रहे हैं, जो भी था आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अब आप पूर्ण आशीर्वाद हमें दे। इस प्रार्थना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से आज करना चाहिए, आज सिद्ध योग है। आप जो भी अभी प्रार्थना करेंगे तुला को देख कर, जब में होगी तुला सेंटर में होगी, उसको देखते हुए आप प्रार्थना करनी चाहिए। मैं स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, या तो मेरे साथ पढ़ो नहीं तो मैं जो बोलता हूँ सुनते रहना चाहिए। नमाम्यहं ऋषिकेशं केशवं मधुसूदनं सूदनं सर्वदैत्यानां नारायणं नामयं जयन्तं विजयं कृष्णमनन्तं वामनं तथा विष्णुं विश्वेश्वरं पुण्यं विश्वात्मानं सुरक्षितं अनघं त्वत्प्रहर्तारं आशीर्वं श्रियप्रियं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीगं श्रीनिवासं महोदयं श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमारूपं जनार्दनं सर्वज्ञं सर्ववेत्तारं सर्वेषं सर्वदायकं हरिं मुरारिं गोविंदं पद्मनाभं प्रजापतिं आनंदं ज्ञानसंपन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकं अच्युतं सबलं चंद्रवक्तं व्याप्तं व्याप्तपरावरं योगेश्वरं जगद्योनिं ब्रह्मरूपं महेश्वरं मुकुन्दं चाप्य वैकुंठं एकरूपं कविं मधुरं वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियं गोप्रियं गोहितं यज्ञं यज्ञातं यज्ञवर्धनं यज्ञस्यापि शुभोक्तारं वेदवेदाङ्गपारगं वेदज्ञं वेदरूपं तं विद्यावासं सुरेश्वरं प्रत्यक्षं च महाहंसं शङ्खपाणिं द्वादं पुष्करं पुष्कराक्षं च वाराहं धरणीधरं प्रत्युम्नं कामपारं च व्यासध्यातं महेश्वरं सर्वसौख्यं महासौख्यं सांख्यं च पुरुषोत्तमं योगरूपं महाज्ञानं योगीशमजितं प्रियं असुरारिं लोकनाथं पद्महस्तं गदाधरं गुहावासं सर्ववासं पुण्यवासं महाजनं वृन्दानाथं बृहत्कार्यं पावनं पापनाशं गोपीनाथं गोपसखं गोपालं गोगणाश्रयं नाम्नां सतेनापि तु पुण्यकर्ता ये स्तौत्रकृष्णं मनसा स्थिरेण सयाति लोकं मधुसूदनं विहाय दोषानिह पुण्यभूतः नाम्नां सतं महापुण्यं सर्वपातकशोधनं अनन्यमनसा ध्याये जपे ध्यानं समन्वितः नित्यमेवं नरं पुण्यं गङ्गासारं फलं भवेत् तस्मात् तु सुस्थिरो भूत्वा समाहितमना जपेत्। बोलो ओम ओम गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा स्वाहा ओम ओम गोपीजन गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा स्वाहा ओम ओम गोपीजन गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा स्वाहा। दूसरा मंत्र है स्वामी निखिलेश स्वामी जी का, ओम ओम शिष्य जन संचिताय संचिताय स्वाहा स्वाहा शिष्य वन संचिताय स्वाहा स्वाहा शिष्य वन संचिताय संचिताय निखिलेश्वरानंदाय निखिलेश्वरानंदाय नमः नमः। वहीं बैठे बैठे साष्टांग नमस्कार कर लो, आपको प्रसाद और जो भी आपने पैसा धन कनक दिया है उसको केवल गुरु गाड़ी के लिए उपयोग करूंगा, ये वादा है मेरा आपकी तुला के सामने। मैं अपने पास कुछ भी नहीं लूंगा, सब तुला के लिए देंगे, प्रसाद आपके पास आ जाएगा। असल पुरुष जितने भी लोग हैं वो लोग साष्टांग नमस्कार करना चाहिए तुला को, वहीं बैठे बैठे अपना सर झुका दो, और स्त्रियां अपने पास जैसा भी हो सब झुका कर नमस्कार करो तुला को। अभी एक मिनट रुको, तुला को नमस्कार करने दो, सब लोग उठने के बाद उठा दो। पुरुष साष्टांग नमस्कार करे तुला को और कहे कि हमारे संसार का भार वहन करो प्रभु, आपके हाथ में हम सौंप दिया है। कोई ना आए, यहाँ कोई ना आए, वहीं बैठे बैठे करो। खाली स्टेज में ही चढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तुला निकाल रहा हूँ। Thank you.
रोज दशमाविद्या के पास जो अष्टोत्तर कर रहे हैं उत्तर के लिए दशमाविद्या के पास केवल लेडीज गड़बड़ नहीं करने का। पद्मजा कहाँ है वो, और पल्लवी तुम इधर खड़े रहो, रोहिणी उठो, आप फूल ले लो और अष्टोत्तर हो रहा है, अष्टोत्तर का पहला कार्यक्रम करना सभी देवताओं के पास। आप जरा अंदर बैठ जाओ या सामने सामने आ जाओ, जगह नहीं है तो बैठ जाओ, वही बैठो बैठो, पीछे के लोगों को भी दिखेगा, बैठ जाओ।